मैं हूं रितिका और आप देख रहे हैं फूड फॉर फूडीज। आज हमारा फूड फॉर फूडीज है स्टफ पनीर कुलचा। ये बेसिकली एक स्नैक रेसिपी है। आइए झटपट देखें हमें पनीर स्टफ कुलचा कैसे बनाना है। पनीर कुलचा बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर 150 ग्राम, एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, एक प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया, नमक एक चम्मच, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर और एक छोटा चम्मच चाट मसाला। कुलचा ब्रेड मैंने रेडीमेड ली है, मार्केट में मिल जाती है। रिफाइंड ऑयल, टमाटो केचप और बटर। सबसे पहले हम पनीर को ग्रेट करके एक साइड पे रख देंगे। ये हमारी फिलिंग की मेन इंग्रेडिएंट है। पैन में थोड़ा सा ऑयल डालिए, ऑयल को गर्म हो जाने दीजिए। अब इसमें अनियंस ऐड करिए। अनियन को थोड़ी देर के लिए सॉटे कीजिए। जब वो ब्राउन होने लगे उसमें ऐड कीजिए हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च। सॉटे कीजिए। अब उसमें शिमला मिर्च और टमाटर डालिए, सॉटे कीजिए और 2 मिनट के लिए इसे ढक के पकाइए। अब हम इसमें ग्रेटेड पनीर डालेंगे। इसमें ग्रेटेड पनीर डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए, कोई भी लम्स ना रहे, और इसे 1-2 मिनट चलाते हुए पकाइए। फाइनल टच देने के लिए अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर और चाट मसाला, मिक्स कर लीजिए। हमारी फिलिंग बिल्कुल जूसी है और इट्स रेडी टू गो इनटू आवर कुलचास। अब हम इसे ठंडा करने के लिए एक दूसरे बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसी समय हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी हरी धनिया जो बारीक कटी हुई है, मिक्स कर लीजिए। कुलचा ब्रेड लेके उस पर एक तरफ बटर लगाइए, जेनरसली लगाइए, टेस्ट और उभर के आएगा, और एक तरफ लगाइए टोमेटो केचप। अब हम इसमें फिलिंग रखना शुरू करेंगे। फिलिंग को दबा दबा के अच्छे से भरिए। जितनी फिलिंग होगी टेस्ट उतना ज्यादा हो अच्छा आएगा, प्लस आप दबा के भरिए ताकि वो सेकते समय गिरे नहीं। अब तवे पे थोड़ा सा बटर डाल के गर्म कीजिए और कुलचा को रख दीजिए। ऊपर वाली सतह पे भी आप थोड़ा सा बटर लगा दीजिए, इसे दबा के सेकिए। अब हम इसे दोनों तरफ से पलट पलट कर गोल्डन होने तक सेकेंगे। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। देखिए हमारा कुलचा बन गया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए फिलिंग बिल्कुल इंटैक्ट है। दिस इज लुकिंग यमी। अब हम इसे प्लेट में सर्व करते हैं। आप इसे चटनी या टोमेटो केचप किसी भी चीज के साथ सर्व कीजिए। इसे एज अ स्टार्टर, एज अ स्नैक, कैसे भी खाइए। इट्स ऑल योर्स।